हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना है वो मेथड आपने अच्छे से समझ लिया होगा फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास कुछ अच्छे टॉपिक्स कराऊंगा जिसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बना सकते हैं और चैप्टर जो है ऑलमोस्ट एंड स्टेज पर आ गया है तो आज हम लोग पार्ट नंबर सिक्स के अंदर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट दो चीजें कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो सबसे पहले क्लास पार्टनर्स के लोन की बात कर देखो दो तरह के लोन होते हैं मैं आपको दिखाता हूं क्लास ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए ये है आपकी बैलेंस शीट मान लो दो पार्टनर है ए और बी इनकी रेशियो है इक्वल ए मतलब वन रेशियो वन यहाँ पे ये जो साइड है बैलेंस शीट की है लाइबिलिटी साइड ये है क्लास आपके एसेट साइड यहाँ पे लोन है पाँच लाख का मान लो ठीक है और यहाँ पे क्लास बीस लोन दे रखा है आपको कितना ये एसेट्स है यहाँ पे बीस लोन जो दे रखा है वो है तीन लाख का सुनना ध्यान से मेरी बात इसका मतलब ए का जो लोन है वो फर्म के लिए क्या है क्लास लाइबिलिटी यानी फर्म ने ए से उधार लिया हुआ है लोन टेकन बाई फर्म फ्रॉम ए फॉर्म ने ऐसे लोन ले रखा है मतलब फॉर्म ने ऐसे उधार ले रखा है तभी तो फॉर्म के लिए क्या है क्लास ये लाइबिलिटी है और यहाँ पे क्या है क्लास लोन गिवन बाय फॉर्म यहाँ पे बी का जो लोन है वो एसेट है यानी बिजनेस ने बी को लोन दिया हुआ है लोन गिवन बाय द फॉर्म टू बी यानी कि बी को लोन यहाँ पे दे रखा है तो ये है लोन टेकन बाय फॉर्म लोन लिया है फॉर्म ने ए से और यहाँ पे लोन दिया है फॉर्म ने क्लास किसको बी को तभी ये एसेट है तभी और आप सबको पता होना चाहिए क्लास कि ये जो बैलेंस होता है ना ये बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और ये जो बैलेंस है बोलते हैं डेबिट ऑल डेबिट है

तो इस लाइबिलिटी पे क्लास इंटरेस्ट क्या होगा पेड होगा और क्योंकि ये एसेट है तो इस पे जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा क्लास रिसीव्ड होगा इंटरेस्ट रिसीव होगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा इंटरेस्ट पे करोगे तो नेट प्रॉफिट कम होगा और ये आप जानते हो कि अगर इस लोन पे इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है क्लास इस पे छः परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा ये चार्ज है लेकिन इसका अगर रेट गिवन ना हो तो इस पे क्लास पार्टनर से आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते पार्टनर की मनमानी है दादागिरी है पार्टनर की पार्टनर कहता भाई मैंने तुम्हें लोन दिया था मुझे छः परसेंट इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए और अगर मैंने लोन लिया है तो मैं कोई ब्याज नहीं दूंगा

और इसी में क्लास इंटरेस्ट लोन को प्लस करना है प्लस कौन सा करोगे जो इंटरेस्ट मिलेगा और माइनस कौन सा करोगे जो इंटरेस्ट फॉर्म पे करेगी ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है ठीक है नाउ कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया पहले भी समझ लिया था एक प्रैक्टिस कर लेते हैं राम श्याम दो पार्टनर्स हैं क्लास और इनकी अच्छा पिछले क्वेश्चन है नंबरिंग नम्र, मिस्टेक थी वो 18 क्वेश्चन था पहले ठीक है आ, मतलब पिछले में जो कराया था वो 18 क्वेश्चन था या क्वेश्चन है राम श्याम आर पार्टनर्स इनकी रेशियो है थ्री रेशियो टू और दे हैड गिवन अ लोन थर्टी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सुनो राम और श्याम दो पार्टनर है लोन दिया है थर्टी थाउजेंड किस रेशियो में थ्री रेशियो टू में तो पांच से डिवाइड दो छ तो ये बन गया क्लास आपका 18000 और ये कितना बन गया आपका 12000 ठीक है आगे लिखा है क्लास एक अक्टूबर 2022 से लोन कब दिया गया है क्लास एक अक्टूबर 2022 को ये लोन दिया गया है पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट लोन पार्टनर से द पार्टनरशिप डीड ऑन इंटरेस्ट लोन फ्रॉम पार्टनर्स यहां पे पार्टनरशिप डीड है रेट नहीं गिवन है 6% मानोगे आप कंप्यूट इट पेबल टू फर्म टू पार्टनर्स पेबल बाय द फॉर्म टू पार्टनर फॉर्म कितना पे करेगा और uh, साल एंड होता है इकतीस अठारह हजार का छह परसेंट छ महीना एक अक्टूबर को लोन लिया गया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छः महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे भी बारह हजार का छः परसेंट आपका रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता तो हम छः परसेंट लेते हैं तो ये दोनों का क्लास इंटरेस्ट लोन आप कैलकुलेट कर लोगे फटाफट देख लेते हैं कितना बनेगा अठारह का छह परसेंट छह महीने का ये बने क्लास पाँच सौ चालीस रुपए और ये बने बारह हजार का छह परसेंट छह महीने का तीन सौ साठ मैं करता क्या हुआ? कि एक्चुअली मुझे पता है छह महीने का मतलब आधा होता है छह छः दूनी बारह तो मैं तीन परसेंट सीधे निकालूंगा अट्ठारह हजार का तीन परसेंट तो एक सौ अस्सी इंटू तीन पाँच सौ चालीस यहाँ भी सेम ये हो गया थ्री दो जीरो कट गया एक सौ बीस इंटू तीन तीन सौ साठ सिंपल ये हो गया क्लास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और को कम करेगा ठीक है नाउ

और बैट एड अलाउड अ फॉर्म अलाउड द टू यूज इज प्रॉपर्टी बैट ने क्लास अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी इसका मंथली रेंट पांच हजार का है तो ध्यान रखना साल भर चला है बिजनेस है ना ऐसे तो नहीं की बीच से चालू किया हो साल भर चला है बिजनेस कुछ लिखा नहीं है तो मतलब पूरे साल काम किया होगा जिसका रेंट कितना है सिक्सटी लॉस फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट टू नाइन्थ सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान समझ आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है कैलकुलेशन के थ्रू हो जाएगा कहीं बोला नहीं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ठीक है अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी होगा तो हम इसको डेबिट साइड दिखाएंगे प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड एप्रोप्रिएशन में लॉस आएगा डेबिट साइड सुनना मेरी बात ये जो रेंट है ना जो पार्टनर को रेंट पेड किया जाता है तो रेंट प्रॉफिट को कम किया जाए रेंट प्रॉफिट को कम करता है लेकिन रेंट लॉस को बढ़ाएगा रेंट पेड टू बैट बैट को जो रेंट पे किया है क्लास वो प्रॉफिट्स को कम करेगा लेकिन वो लॉस को क्या करेगा बढ़ाएगा तो सिक्सटी था बैट को रेंट पे कर दिया का का तो लॉस हो गया अगर ये प्रॉफिट होता तो माइनस करते मैंने आपको बताया था तीन चीजें नेट प्रॉफिट से माइनस करने कमेंट सेक्शन में तीनों लिख के दिखाओ सबसे पहला क्लास क्या क्या होता है दूसरा क्या तीसरा क्या लेकिन वो लॉस में वो तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ठीक है अच्छा इसके अलावा इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट्स को कम करता है बट ये प्रॉफिट नहीं है लॉस है तो ये क्लास इसमें ऐड करोगे आप तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको बैट और बॉल का टू लाख फोर्टी थाउजेंड है ये टू फोर्टी और बॉल का कितना हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी गिवन नहीं है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता और इसमें डेट क्या है एक अक्टूबर को यानी कि साल यानी छः महीने का आपने निकालना पड़ेगा सिक्स 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 परसेंट तो मैं इसको परसेंट मानूंगा ही नहीं मैं थ्री परसेंट मान लूंगा बात यहीं खत्म हो जाएगी ठीक है तो दो लाख चौबीस हजार का तीन दो लाख चालीस हजार का तीन सात हजार दो सौ और दूसरा कितना है क्लास यहाँ पे एक लाख बीस हजार का तीन हजार छ सौ योग तीन छह सौ सात दो सौ सिक्सटी थाउजेंड और नाइन थाउजेंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड यही होगा टोटल लॉस और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बैट और बॉल में कितना कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बैट और बॉल में टू थ्री इंटू टू डिवाइड डि फाइव थ्री वन नाइन टू जीरो फोर सेवन डबल एट जीरो ठीक है तो इस तरीके से लॉस का बट तो यहां पर सीख लो क्या मिला कि जो तीन चीजें हमने सीखी थी जो कि क्लास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो पी एंड अकाउंट में जाता है बट अलग से पी एंड अकाउंट ना बना के हम लोग अप्रोपरेशन से इसको माइनस कर रहे हैं ये तीन चीजें यहां से क्लास में माइनस करते हैं लेकिन अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो वही तीनों चीजें क्या कर दोगे प्लस कर दोगे लॉस को ये कम करता है बट प्रॉफिट्स को बढ़ाता है ठीक है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल जेठा और तारक तीन पार्टनर्स है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है जेठा वॉज गिवन लोन बाई द फॉर्म जो जेठा ने जो है वो लोन दिया है नहीं तो नहीं लेंगे 6 लाख का बुक्स क्लोज हो 31 मार्च को कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्री तो यहाँ पे नो no इंटरेस्ट पहले केस में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा ध्यान समझना क्लास यहाँ पे लिखा है जेठा वॉज गिवन लोन बाई द फॉर्म फॉर्म ने लोन दिया यहाँ फॉर्म ने लिया नहीं है

अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नाइन मंथ्स तो छह लाख का दस परसेंट तो सीधा साठ हजार हो गया थोड़ी ना कैलकुलेशन आप ओरली कर लिया करो ताकि आपका ना टाइम बचे तो ये हो गया बी पार्ट और ए पार्ट का तो नील हो गया कोई भी इंटरेस्ट क्लास नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर से क्योंकि क्लास कोई भी रेट इसमें गिवन नहीं है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे अगर नया क्लास आपको अप्रोपरिएशन अकाउंट बनाना है

ठीक है मिथुन का कितना है क्लास यहां पे दो लाख है अतुल का लोन है तीन लाख क्रेडिट मिथुन का लोन जो है दो लाख डेबिट अब सुनो यह है लाइबिलिटी तो भैया इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा ये बात आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आना चाहिए इसको रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे दो तो चार दिन में बार बार भूलते रहोगे कॉन्सेप्ट समझ लो ये क्रेडिट है बैलेंस शीट उल्टी चलती है सारे क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में और डेबिट बैलेंस असेट साइड और ये लाइबिलिटी है मतलब लाइबिलिटी पे मिलेगा थोड़ी भाई कर्जे पे तो इंटरेस्ट पे करते हैं और असेट से इंटरेस्ट मिलता है अभी मेरी इन्वेस्टमेंट है, है तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है लेकिन अगर लाइबिलिटी है तो मुझे देना पड़ेगा इट वॉज़ अग्री दैट अलाउ और चार्ज दोनों इस पे क्लास अलाउ किया जाएगा और इस पे चार्ज किया जाएगा दोनों पे आठ आठ परसेंट तीन लाख का आठ परसेंट कितना बनता है और इसमें कोई डेट गिवन नहीं है कब लिया पूरे साल का लगा दो तीन लाख का आठ परसेंट चौबीस हजार छः महीने वाला जो रूल था ना वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पे था ना कि लोन और कैपिटल पे दो लाख का आठ कितना हो गया सोलह और आगे लिखा है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट है ड्राॅइंग पाँच पाँच हज़ार ईच है तो लिखेंगे क्लास बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल दोनों का दे रखा है मिथुन पाँच पाँच हजार ईच है तो पाँच पाँच कितना हो गया टेन थाउजेंड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन अतुल और मिथुन कितना है क्लास यहाँ पे पाँच लाख पाँच लाख का कितना परसेंट है दस परसेंट पचास हजार और ये हो गया छः लाख का दस परसेंट साठ हजार टोटल आ गया एक लाख दस हजार ठीक है आगे लिखा है क्लास प्रॉफिट जो दे रखा है वो टू ट्वेंटी एट का है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस कर देंगे क्लास उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है क्लास सोलह हजार इंटरेस्ट फ्रॉम एम और माइनस करेंगे जो इंटरेस्ट आपने पेड किया है इंटरेस्ट पेड टू अतुल तो अतुल को कितना इंटरेस्ट पे किया आपने ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो जो मिल रहा है वो प्लस जो दे रहे हो माइनस मतलब इंटरेस्ट लोन में ना इससे खतरनाक कुछ नहीं है एवरीथिंग इज़ क्लियर अगर कोई डेट गिवन होती तो हम उस डेट के हिसाब से निकाल लेते बट यहाँ कोई डेट गिवन नहीं है तो फिर साल भर का निकाला टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस करोगे आप सिक्सटीन थाउजेंड माइनस करोगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड इट्स टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड यह आ गया आपका टू लैख थर्टी थाउजेंड यह आ गया आपका टू लैख थर्टी थाउजेंड माइनस करोगे वन टेन तो आएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और ये आएगा टू डिविजल प्रॉफिट अब तो समझ आ गया होगा ना करेंट लिखना है या कैपिटल लिखना है टू डिजल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अतुल और मेथुन तो एक लाख बीस हजार है थ्री रीशियो टू पाँच से डिवाइड दोगे ठीक है तो चौबीस हजार आएगा और इन टू तीन सेवेंटी टू थाउजेंड माइनस वन ट्वेंटी फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है तो ये था इंटरेस्ट ऑन लोन का हर एक टाइप का क्वेश्चन कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन में तुम्हें कोई दिक्कत निया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन आसानी से तुम्हारा बन जाएगा ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अब यहां पे मैं कुछ बातें बता रहा हूं ध्यान से समझना पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो सबसे पहला रूल नंबर कुछ रूल ध्यान रखना रूल नंबर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे वो हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे निकालोगे सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में एक अप्रैल का जो कैपिटल होगा उस पर आप लगाओगे इंटरेस्ट जो भी कैपिटल होगा इसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल साल के बीच में आपने जो कैपिटल लगाया है आप उस पर इंटरेस्ट ऐड करोगे अगर मान लो साल के बीच में कुछ पैसे आपने और लगा दिए तो आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा मान लो मैं पार्टनर हूं और यहाँ पे है मान लो मैं पार्टनर हूँ ये फॉर्म है ये फॉर्म है मैं पार्टनर हूँ ठीक है फॉर्म कलेक्टिवली ऑल पार्टनर कॉल फॉर्म मैंने फॉर्म को पैसे दिए तो मैं इस पर इंटरेस्ट लूंगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल अगर मैं एफडी डी कराता तो मुझे बैंक से भी पैसे मिलते तो मैंने फॉर्म को दिया भले ही वो हमारी ही फॉर्म है बट फिर भी अकाउंटिंग

तो अगर मैंने अपनी कैपिटल में से कुछ पैसे विदड्रॉ कर लिया तो मुझे फिर इंटरेस्ट साल भर का तो नहीं मिलेगा ना मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा लेकिन फिर एडिशनल कैपिटल जब लगाया तब से लेकर ईयर एंड तक लगेगा और अगर आपने कोई पैसा विदड्रॉ कर लिया है अपनी देखो ड्राॅइंग्स नहीं है ड्राॅइंग अलग है उस पर तो इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज होता है वो अलग है लेकिन आपने आपने अपना मेन मनी विदड्रॉ कर लिया तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल अगर आपने अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा क्लास माइनस होगा और फिर ये जो बनेगा इसको बोलेंगे क्लास हम मेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पिंडला प्रोपरेशन में चला जाएगा ठीक है कितना सिंपल है रटने की जरूरत ही नहीं भैया एक्स्ट्रा पैसे डालोगे तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा विदड्रॉ करोगे तो ब्याज कम हो जाएगा दैट्स इट इतना ही काम करना और कुछ नहीं ठीक है अच्छा मैंने आपको बोला कि सर इंटरेस्ट जो है वो हमें ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन अगर तुम्हें देख लेना इस बात को इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अगर तुम्हें क्लास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बाई यूजिंग अ फॉर्मूला कैसे निकालोगे क्लास क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इफ़ एनी माइनस एडिशनल कैपिटल इफ़ एनी और ये कोई नई बात थोड़ी है तुमने पहले भी कर रखा तुम याद करो क्लास इलेवेंथ प्रोप्राइटरी फॉर्म जो पढ़ते थे आप ओपनिंग कैपिटल उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे माइनस करते थे ड्रॉइंग्स प्लस एडिशन कैपिटल करते थे ना इस काम को और यहाँ टैक्स वगैरह भी होता था एज अ ड्राइंग बट वो यहाँ पे लेना है नहीं वहाँ पे आता नहीं है तो ये हो गया क्लास आपका क्लोजिंग कैपिटल तो अगर आपको ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करोगे ड्राइंग माइनस करोगे और एडिशन कैपिटल को प्लस करोगे तो क्लोजिंग आएगा अगर कहीं पे क्लोजिंग दे रखा हो साल के एंड का दे रखा हो आफ्टर प्रॉफिट्स एंड आफ्टर ड्राइंग्स दे रखा है आपको क्लोजिंग कैपिटल तो उल्टा जाना है एडिशन कैपिटल माइनस करना है ड्राॅइंग को प्लस करना है प्रॉफिट को माइनस करना है आ गया क्लास आपका ओपनिंग कैपिटल इसी से बनाया है कोई नया फॉर्मूला कोई नया बर्डन नहीं दे रहा मैं आपको इसी से बनाया है तो आप यही फॉर्मुला सेम लिख दो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशन कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल फिर ओपनिंग को उधर भेज दो क्लोजिंग को इधर भेज दो अपना अपने आप क्लास ओपनिंग का फॉर्मल निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशन कैपिटल बस खत्म तो अगर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो आप हमेशा इंटरेस्ट उस पर ही कैलकुलेट करोगे रेट गिवन होना चाहिए रेट नहीं गिवन है तो फिर नहीं निकाल पाओगे डेट अगर गिवन नहीं है साल भर का निकालोगे डेट दे रखा है डेट के अकॉर्डिंग निकालोगे छह महीना सिर्फ क्या करते हैं इंटरेस्ट वाले केस में करते हैं जब डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं होती तो. तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा सिंपल रूल ओपनिंग कैपिटल अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो पहले आप ओपनिंग निकालोगे फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ी मेहनत का काम हो जाता है अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है सोनू रानू पार्टनर है इनकी रेशियो कितनी थ्री रेशियो टू देर कैपिटल एक अप्रैल तो ये एक अप्रैल 2022 साल का शुरू है और कैपिटल कितनी है दोनों की एक एक लाख रुपए ईच है करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है पच्चीस हजार बारह पांच सौ इंटरेस्ट कैपिटल नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो है डेढ़ लाख का प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रप्रोप्रेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें ना कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं आता बट बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है जो तुम्हें क्लास समझने वाली चीज है वो समझने वाली चीज ये है क्लास कि मेन uh, बात यह है कि अगर तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है तुम्हें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया तो तुम हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना वो कैपिटल के बैलेंस पे करोगे पहली बात लिख लो इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल के बैलेंस पे कैलकुलेट होता है ना कि करंट के बैलेंस पे और इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे कई बार लिखा रहता है कि ए का क्रेडिट बैलेंस पांच लाख है बी का क्रेडिट बैलेंस तीन लाख है सी का डेबिट बैलेंस दो लाख है तो जिसका डेबिट बैलेंस है उसको नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं कैपिटल का उस उसपे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता ना ही कुछ लगता है उस पर कुछ नहीं करना इग्नोर करना लिख लो क्लास इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस लगता है करंट पे कभी लगता नहीं ये क्वेश्चन फिक्स मैथड का है तभी इसमें करंट अकाउंट का जिक्र है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तो कंपनी फिक्स मेथड अपना रही है फॉर्म फिक्स मेथड अपना रही है तो हमें अप्रोपरेशन अकाउंट बनाना है है प्रॉफिट लाख का देखो क्लास कैसे करेंगे पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का है क्लास यहां पे डेढ़ लाख का प्रॉफिट है ठीक है आगे लिखा है क्लास और कैपिटल दे रखा है दोनों के एक लाख रुपए हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है इसकी करंट अकाउंट के बैलेंस से इंटरेस्ट में कैपिल पांच परसेंट दे रखा है एक लाख का पांच परसेंट कितना बनेगा पांच हजार टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनू और रानू सोनू और रानू पांच हजार पांच हजार ये बनेगा क्लास कितना दस हजार बस और तो कुछ है ही नहीं एक लाख का तो मैं दे रखा था खत्म बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहीं आप करंट अकाउंट पे तो नहीं लगा दोगे आप और दोनों का कैपिटल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस उसी पे ही लगेगा करंट अकाउंट से तो मतलब ही नहीं चाहे कोई भी बैलेंस हो और आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना है तो आप यह ध्यान रखना कि जब आप नेट प्रॉफिट को लिखोगे डिविजल प्रॉफिट को करंट में डालना टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ सोनू और रन 140 में से 10 गया तो 140 फोर्टी वन फिफ्टी में से टन गया वन फोर्टी और रेशियो थ्री रेशियो टू तो वन लाख फोर्टी थाउजेंड इंटू थ्री बाई फाइव एटी फोर थाउजेंड और माइनस करोगे वन फोर्टी तो आएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो ये हो गया आपका क्लास पूरा का पूरा, पूरा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आई होप आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को अच्छे से सीख गए अब तुम्हें कोई दिक्कत इस पर इसमें नहीं होगी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का बेसिक सा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर रह गया हो तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन अमित अमित और ब्रह्मित दो पार्टनर है एक अप्रैल 2023 को इनके कैपिटल 15 लाख 9 लाख है ये टी एस वाला क्वेश्चन है क्लास टी की बुक से लिया गया क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक आप, एक अक्टूबर 2023 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी बारह लाख इच सुनना मेरी बात अमित की कैपिटल और

ठीक है पहले अमित की बात करते हैं फिर भी की बात करेंगे इन थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ बट ताकि समझ आ जाए ठीक है तो ये देखो ईयर है एक अप्रैल 2023 और एंड कब होगा 31 मार्च 2024 हजार चौबीस एक अप्रैल से लेकर एक अक्टूबर 2023 को जो कैपिटल है अमित की वो कितने की है पंद्रह लाख की इस डेट पे तीन लाख रुपए विड्रॉ हो जाएगा तो यहां से यहां तक जो कैपिटल बनेगी वो बारह लाख की बनेगी बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं क्लास ओपनिंग कैपिटल थी पंद्रह लाख की और इस डेट को तीन लाख रुपए निकाल लिया क्योंकि इस के, इस डेट डेट के से डिसाइड किया है कि हमारी कैपिटल आगे बारह लाख रुपए रहेगी तो कितना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सबसे पहले आप क्या करोगे पंद्रह लाख पे निकालोगे कितने महीने के लिए छह महीना अप्रैल से अक्टूबर छह महीने बनते हैं तो पंद्रह लाख का कितना परसेंटेज क्वेश्चन में आठ परसेंट कितने महीने का छह महीने का मैंने आपसे कहा था जब भी हमें छह महीने का करना होता है तो उस सिचुएशन में हम आधा कर देते हैं इसका आठ लाख की जगह चार लाख कर दो कितना बन गया सिक्सटी थाउजेंड फिर यहां से लेकर यहां तक बाकी जो छह लाख बाकी जो छह महीने बचे वो इंटरेस्ट लगेगा बारह लाख पे तो बारह लाख का चार परसेंट छह पर आठ परसेंट निकालो फिर छह तो एक लाखित के साल की शुरू की कैपिटल कितनी थी नौ लाख तो यहां से यहां तक नौ लाख पे भ्रमित को इंटरेस्ट मिलेगा फिर तीन लाख रुपए भ्रमित ले आया तो अब यहां से जो कैपिटल बन गई वो बारह लाख बन गई तो नौ लाख का आठ परसेंट छ महीने का प्लस अब अगले में बारह लाख का आठ परसेंट छ महीने का तो नौ लाख का आठ परसेंट छह महीने का बनेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड और बारह लाख का आठ परसेंट छ महीने का बनेगा फोर्टी एट थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड या एट्टी फोर थाउजेंड ठीक है अच्छा अब सुनो आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले किसी और तरीके से बताया था मैं बिल्कुल उस तरीके से भी कराऊंगा बट ये बेसिक कॉमन नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए यार इस डेट से इस डेट तक इतना पैसा था तो इतने समय पे इतने पे ही ब्याज मिलेगा फिर आपने कम कर दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया बढ़ा दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया यहाँ पे पहले नौ लाख पे मिला फिर तीन लाख और ले आया तो बारह लाख पे यहाँ पहले पंद्रह मिला फिर तीन लाख ले गया तो बारह लाख पे सिंपल लेकिन अगर तुम कहते तो नहीं सर हमें वैसे बताओ जो आपने पहले बताया था तो सुनो कैसे बताया था मैंने ध्यान से देखो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऐसे ही निकालना है तुमको क्वेश्चन कोई भी और हो ठीक है अभी हम बहुत रिवीजन करेंगे एग्जामिनेशन से पहले और भी नए टाइप के रिवीजन तो उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं ठीक है अमृत और भ्रमित साल के शुरू में है पंद्रह लाख और नौ लाख तो साल के शुरू में तो सीधा सीधा लगा दो क्लास आठ लाख पंद्रह लाख का आठ परसेंट आठ परसेंट सॉरी इसका बन गया एक लाख बीस हजार और 9 लाख का 8 परसेंट ये बन गया 72,000 ठीक है अच्छा फिर यहाँ प्लस करोगे क्या इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल मुझे बताओ साल के बीच में पैसा किसने लगाया है भ्रमित ने साल के बीच में पैसा लगाया है क्योंकि भ्रमित का नौ लाख था तो तीन लाख और लेके आएगा तो भ्रमित में क्या होगा क्लास यहाँ पे चेंजेस होगा इसमें कुछ नहीं होगा तो तीन लाख रुपए भ्रमित ने लगा दिया आठ परसेंट और कब लगाया है क्लास एक अक्टूबर को तो छह महीने पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो तीन लाख का आठ परसेंट छ महीने का बन गया टोटल बन गया आपका था तो ये जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है भ्रमित का तो पहले भी आपने भ्रमित का निकाला एट्टी फोर थाउजेंड यहाँ पे भी आपने भ्रमित का निकाला एट्टी फोर थाउजेंड आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो दोनों तरीके से बात बराबर है अच्छा अब अगर मैं बात करूं क्लास अमित की तो अमित ने विद्रॉ किया है तो माइनस करोगे क्लास इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन कैपिटल कैपिटल में से विद्रॉ किया है इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन कैपिटल तो जो विदड्रॉ किया है वो कितना किया किया पे है तीन लाख रुपए बिकॉज अमित का था पंद्रह लाख रुपए फिफ्टीन लाख और एक अक्टूबर को इसने फिर विडड्रॉ कर लेते फिफ्टी लाख पे पूरे साल का ही निकल गया जो विड्रॉ किया वो कम करेगा इंटरेस्ट को क्योंकि आपने पहले ही पूरे साल का लगा दिया जबकि उसने विद्रॉ किया ज़्यादा अमाउंट पे लगा दिया पूरे साल का तो ये हो गया छः महीने का जो कि बनता है क्लास कितना बारह हज़ार रुपये ठीक है तो यहाँ से बारह हज़ार माइनस कर दो तो इसका आ गया आपका वन ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व वन लाख एट थाउजेंड तो आप दोनों तरीके से देखोगे ना आंसर सेम ही आ रहा है पहले भी इतना आ रहा था अभी भी इतना में आंसर आपका सेम आ ठीक है अच्छे, समझ आ गया होगा तो ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो लगा दो जिसने और पैसा लगाया एडिशन कैपिटल इंटरेस्ट प्लस कर दो विड्रो ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट माइनस कर क्वेश्चन आशीष और आकाश दो पार्टनर रेशियो थ्री रेशियो टू द कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ फाइव लाख एंड सिक्स लाख रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट मार्च अब ये आप ध्यान रखना कि ये जो पांच लाख और छह लाख की कैपिटल है वो इकतीस मार्च की है वो साल के शुरू की कैपिटल नहीं है तो अगर, अगर आपने इस पे लगाया इंटरेस्ट तो गलत हो जाएगा पिछले साल के सॉरी साल के एंड की कैपिटल है लेकिन ये जो कैपिटल निकली आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वन एंड वन लाख रेस्पेक्टिवली सुनो मेरा वैसे होता क्या है ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स ऐड करते हैं और ड्राइंग को लेस करते हैं ठीक है प्रॉफिट ऐड करते हैं ड्राइंग को लेस करते हैं फिर हमारे पास आमतौर पे क्लोजिंग कैपिटल आता है लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला द कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ फाइव लैख सिक्स लैख ऑन इकतीस मार्च आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग को ही डेबिट किया है मतलब class इन्होंने जब क्लोजिंग कैपिटल में minus किया है drawing, फिर निकल गया closing capital. Profit को लिया ही नहीं है तो अगर ऐसा लाइन नहीं लिखी होती ना ये सब नहीं लिखा होता सीधा लिखा होता है इकतीस मार्च तो मैं सोचता हूं ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग क्लोजिंग कैपिटल ऐसे निकाला है तो मैं ड्रॉइंग और प्रॉफिट दोनों का ट्रीटमेंट करता बट अब क्या होगा अब ये होगा सुनो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल अगर ये नई लाइन नहीं लिखी होती आफ्टर डेविटिंग ये सब कुछ नहीं लिखा होता तो मैं इस तरीके से अपना ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता मैं इसे इधर उधर करूंगा ओपनिंग कैपिटल यहाँ रखूंगा प्रॉफिट उधर भेज दूंगा ड्राइंग तो मैं ऐसे क्लास ओपनिंग कैपिटल निकालता लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ ड्राइंग के बाद तो प्रॉफिट लेना ही नहीं है कुछ तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है क्लोजिंग कैपिटल एक की पाँच लाख है और दूसरी कितनी है क्लास छह लाख प्रॉफिट को माइनस नहीं करेंगे प्रॉफिट कितने का है इस क्वेश्चन में वैसे पांच लाख का है अगर रेशियो में बांटते तो इसका तीन लाख इसका दो लाख होता आशीष और आकाश का बट इसमें प्रॉफिट लिया ही नहीं है क्वेश्चन खुद ही कह रहा है क्लास छह लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग सिर्फ ड्रॉइंग ही लिया हुआ है इन्होंने ड्राइंग को ही डेबिट में लिया हुआ है ड्राइंग डेबिट साइड आता है इसलिए डेबिट लिखा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है आप जैसे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता रखा है ना कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आता है यहाँ ड्रॉइंग आता है यहाँ क्लोजिंग कैपिटल तो इन्होंने क्या किया है ड्रॉइंग को ही यहाँ लिख रखा है बस तो हम क्या करने वाले हैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल देखो यहाँ पे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये रहा प्लस ड्राइंग्स ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है इसके डेढ़ लाख ड्राइंग दे रखी है मतलब प्रॉफिट को लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में कई बच्चे ले लेते हैं तो वो मिस्टेक हो जाएगी ये हो गया छः लाख पचास हजार और ये हो गया छः एक सात लाख अब आपको इंटरेस्ट निकालना है कितने परसेंट का इंटरेस्ट है टेन परसेंट का है तो छः लाख पचास हजार का दस परसेंट अच्छा कोई डेट वेट तो दे रखी है क्लास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई माइनस करते प्रॉफिट प्रॉफिट है नहीं इसमें ऐड कर दो डेढ़ लाख का इसका है और एक लाख का दूसरे का है ठीक है तो ये हो गया सात लाख सात लाख का दस तो ये हो गया सत्तर तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हाँ बच्चे गलती करते हैं इसके, इसका 65, इसका 70, क्योंकि इस में कहीं भी लगाना है capital, profit, drawing, नहीं करना, कर आपको मिल जाएगा. और क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि लास्ट की डेट की देखी है इकतीस मार्च की कैपिटल है तो ये हो गया अब, अब अकाउंट बनाना है तो वो आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो रहा क्लास अप्रोपरियशन अकाउंट बाई पिन अकाउंट कितने का प्रॉफिट रखा है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है कितने का नेट प्रॉफिट है पांच लाख का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया सिक्सटी फाइव और सेवेंटी तो नेट प्रॉफिट लिख लो पांच लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइव थाउजेंड और सेवेंटी थाउजेंड टोटल आ गया वन लाख फोर्टी थाउजेंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष और आकाश आशीष और आकाश टोटलिंग कर लो ये हो गया आपका पांच लाख ये हो गया आपका पांच लाख पांच लाख में से एक लाख चालीस हजार माइनस करो एक चालीस माइनस करो पांच लाख माइनस एक चालीस थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में टू डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट Of और आशीष आकाश ठीक है रेशियो कितनी है थ्री रेशियो टू रेशियो है कितनी थ्री रेशियो टू थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव दो लाख सोलह हजार और ये आएगा एक लाख चौवालीस हजार तो आशीष को ये मिलेगा इंटरेस्ट और ये मिलेगा प्रॉफिट का में हिस्सा आकाश को सत्तर हजार प्लस वन फोर्टी फोर ये हो गया क्लास कंप्लीट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए आगे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे जहा पे पूरा एपर ऑपरेशन कैपिटल अकाउंट होगा जहाँ चार चार नंबर में पेपर सवाल आते हैं ना पेपर में आते हैं क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बट हाँ ये छोटे लेवल पर हमने कैपिटल इंटरेस्ट लोन ड्राॅइंग ये सारी चीजें अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया ठीक है तो यहां तक आपको पढ़ के अच्छे से आना है है ना पार्ट नंबर सिक्स हमने खत्म कर लिया हम ट्राई करेंगे इसी वीक में इसको पूरी तरीके से फंडामेंटल खत्म कर दें और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में मैं इसका वन शॉट भी लेके आऊँगा एक को एक रिवीजन के लिए पूरा का पूरा क्लास वन शॉट भी लेके आऊँगा तो प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा क्लास ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करना इसका पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अपने एस पी सी सी भी डाल दूंगा टिल देन टेक केयर बाय बाय फ्री स्टडी मेडल के अंदर मिलेगा इस ऐप के अंदर ठीक है आईओस में भी है और मतलब एंड्रॉड में भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो जाके बनाओ अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय